15 अक्टूबर को पूरे देश में रावण दहन होगा। लोग रावण के पुतले को जलाने के बाद खुशियां मनाएंगे। रावण दहन पर आतिशबाजी के साथ करतब दिखाकर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा मनाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में एक जिला ऐसा है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाएगी। जी हाँ, ये सही है, हम बात कर रहे हैं दशपुर यानी मंदसौर की। कालांतर में मंदसौर को ही दशपुर नाम से जाना जाता था। एक और जहां पूरा देश रावण दहन की खुशियां मनाता है, तो वहीं मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। यही नहीं, मंदसौर में रावण की प्रतिमा के सामने महिलाएं घूंघट निकाल कर जाती हैं। देश में कुछ ही गिनी चुनी जगह है जहां रावण की पूजा होती है, और उनमें से एक जगह है मंदसौर। कालांतर में मंदसौर को दशपुर कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है। यही कारण है कि यहाँ के लोग रावण को दामाद मानते हैं, इसलिए दशहरे के दिन मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर में नामदेव वैष्णव समाज के लोग मंदोदरी को अपने वंश की बेटी बताते हैं, और यही कारण है कि यहाँ रावण को आज भी जमाई जैसा सम्मान मिलता है। मंदसौर में रावण की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है जिसकी लोग पूजा करते हैं। यह प्रतिमा 41 फीट ऊंची और विशालकाय है। बताया जाता है कि प्रतिमा लगभग 400 साल से है। मंदसौर में रावण को जमाई मानते हैं, औरतें रावण को दामाद की तरह मानती हैं, इसलिए प्रतिमा की पूजा के दौरान घूंघट या पर्दा करती है। दशपुर के लोग दशहरे पर प्रातःकाल ढोल धमाके के साथ रावण प्रतिमा की पूजा करते हैं, और शाम को रावण दहन किया जाता है। दहन के पहले लोग रावण से क्षमा मांगते हैं। रावण की प्रतिमा मंदसौर शहर के खानपुरा क्षेत्र में है। मंदसौर चूँकि एक प्राचीन नगरी है, तो यहाँ पर रावण की प्रतिमा कई वर्षों से यहाँ पर विराजमान है। रावण की प्रतिमा बहुत पुराने समय से है। नामदेव समाज के लोग यहाँ पर रावण की प्रतिमा की पूजन अर्चन करते हैं। दशहरे के दिन यहाँ पर उसकी सवेरे पूजन अर्चन की जाती है, और मंदसौर शहर की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जाती है। साथ ही यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि इस प्रतिमा की सवेरे तो पूजन अर्चन की जाती है, लेकिन शाम को रावण वध का एक कार्यक्रम भी रहता है। आपने संपूर्ण विश्व में देखा होगा कि रावण दहन होता है, यहाँ हम रावण दहन नहीं करते, रावण वध करते हैं। प्रतीक के रूप में ऐसा होता है, क्योंकि अच्छाइयों की निश्चित ये कि सवेरे पूजा की जाती है, और यदि कहीं बुराई विद्यमान हो जाती है तो उसका वध भी करना धर्म के शास्त्र सम्मत निमित्त होता है। माना जाता है कि बुराई का वध करना चाहिए, इसलिए सवेरे पूजा और शाम को वध किया जाता है। तो महिला भी यहाँ पे है जो है घूंघट लेती है, सब कुछ बताया जाता है। हाँ, माता बहनें यहाँ से निकलती है, क्योंकि रावण का संबंध मंदसौर जो है उसको दशपुर के नाम से जाना जाता है। पुराना जो मंदसौर है उसको दशपुर के नाम से जानते थे, और मंदोदरी का संबंध ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि मंदोदरी मंदसौर शहर की बेटी रही है, तो उसी के आधार पर रावण जो है वो मंदसौर शहर के जमाई माने जाते हैं, और मंदसौर शहर की सभी माताएँ बहनें उनका घूंघट करती है, पर्दा करती है। मालवा की परंपरा है, जो हमारे यहाँ का जमाई होता है उसको मान सम्मान दिया जाता है, और घूंघट करके उनका सम्मान किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। आपका नाम? और मैं राजेश मेड़तवाल, सचिव नामदेव समाज मंदसौर। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के मंदसौर से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट।